नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आपका स्वागत है। बात करते हैं बाळंत काढ़ा नंबर 1, 2 और 3 कब इस्तेमाल करना है और इसके इस्तेमाल से क्या बेनिफिट्स मिलता है, क्या फ़ायदा होता है। बाळंत काढ़ा नंबर 1 प्रसूत महिला के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह काढ़ा बहुत ही गुणकारी है, प्रसूति के बाद आने वाली कमजोरी एवं दूध का स्राव बढ़ाने में सहायक है। प्रसूति के तुरंत बाद 10 दिन तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। भूख कम लगना, मलबद्धता, कब्ज, खांसी आदि के तकलीफें दूर करने में सहायक है। इसके इस्तेमाल से भूख बढ़ती है, कब्ज दूर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे सर्दी खांसी नहीं होती। दोस्तों, मात्राएं सुबह शाम 20 ml संबक पानी के साथ। बात करते हैं बाळंत काढ़ा नंबर 2 के बारे में। दोस्तों, इसके सेवन से शिशु में शक्ति प्रदान करने वाले सभी गुण, सभी तत्व माता में आ जाते हैं। दोस्तों, डिलीवरी के 11वें दिन से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, डिलीवरी के बाद उत्पन्न तकलीफ जैसे कि कमजोरी, पेट फूलना, कब्ज, हाथ पाँव में दर्द, गोले आना आदि का ये इलाज करने में कारगर है। डिलीवरी के बाद आने वाली कमजोरी को ये दूर करता है, फूला हुआ पेट कम करता है, कब से राहत मिलती है, हाथ पाँव में होने वाले दर्द को दूर करता है। दोस्तों, इसकी मात्राएं सुबह शाम 20 ml संबक पानी के साथ। कॉस्ट सिर्फ 97 rupees। अब बात करते हैं बाळंत काढ़ा नंबर 3 के बारे में। इससे 21 दिन से 60 दिन तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह अत्यंत उपयोगी है। यह पाचन शक्ति बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पावर बढ़ाता है, सर्दी, बुखार, खांसी, अन्य इन्फेक्शन होने नहीं देता, दूध की मात्रा बढ़ाता है, क्वालिटी बढ़ाता है, क्वांटिटी भी बढ़ाता है। ये पेट की मसल और लिगामेंट को ताकत देता है, जिससे गर्भाशय और पेल्विस स्ट्रांग और हेल्दी बनता है। दोस्तों, लूज हुए मसल्स इससे स्ट्रांग बनते हैं। दोस्तों, फूला हुआ पेट ये कम करता है। ये एनर्जी रिस्टोरेटिव है। आप इसे 60 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों भी सेफ है, इफेक्टिव है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। मगर याद रखिए, ये दवा डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें गुड़ है। सभी मेडिसिन संबक पानी के साथ लेना है भोजन के बाद। बच्चे पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ये 100% सेफ है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।